सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, आगे भी आप लोग बढ़िया रहना। सो भाई, हमारे फ्री फायर के अंदर जो है वीक टू के मिशन ओपन हो चुके हैं। सो भाई, वीक टू के मिशन को जो है कंप्लीट कैसे करना मैं आपको जो इन गेम में जाके बताने वाला हूँ, वो भी गाइस फुल डिटेल के अंदर, ताकि गाइस आप लोग अपने जो वीक टू के मिशन है इजिली से कम्प्लीट कर पाओ। तो इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक जरूर से कर लेना। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने वीक टू के मिशन पर, जहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई वीक टू के मिशन आपको कैसे कम्प्लीट करना। तो गाइस, यहाँ पर जो नंबर वन का मिशन दिया गया उसमें आपको बोला गया है इनक्लेस स्क्वाड एलिमिनेट 15 प्लेयर्स। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको गेम में जाके बता देता हूं। तो इस मिशन के अंदर आप लोगों को बोला गया कि एलिमिनेट करना है 15 बंदों को, ठीक है। आप लोग कुछ भी नहीं करना, बस इस मिशन के अंदर बोला गया आप लोग एलिमिनेट करना है, यानी कि 15 बंदों को मारना है। जैसे भाई आप लोग 15 बंदों को मारोगे क्लेस स्क्वाड के अंदर जाके, तो ये वाला मिशन आप लोगों को इजिली से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप लोग रैंक वाला क्लेस स्क्वाड भी खेल सकते हो, बिना रैंक वाला क्लासिक भी खेल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको 15 बंदों को मारना है। सो गाइस, इसके अलावा जो नेक्स्ट मिशन है उसके अंदर बोला गया डील 6000 डैमेज टू प्लेयर इन क्लासिक मोड। तो इसके अंदर आपको मैच खेलना गाइस, क्लासिक मैच खेल सकते हो। क्लासिक मैच के अंदर आपको पता है गाइस 50 बंदों वाला मैच खेलना है, ठीक है। उसके अंदर आपको कालार भी खेल सकते हो, एंड जो न्यू मैप है बरमुडा रिमास्टर वो भी आप लोग खेल सकते हो। बस जिसके अंदर बोला गया कि आपको 6000 का डैमेज देना है बंदों को, ठीक है। उसमें आप लोगों को कितना भी दिन लगे ये जो है इसके ज़रूरी नहीं है। आप लोग गाइस इसके अंदर 6 से 7 दिन के अंदर आसानी से इसके अंदर कंप्लीट कर सकते हो ये वाला मिशन। एंड मिशन के अंदर बोला गया भाई आप लोग 6000 का डैमेज देना है, जितना आप लोग एक मैच के अंदर देते हो उतना डैमेज आपको यहाँ पे बता देता है। कुल मैच आपको कितने भी खेल सकते हो, एंड कुल मैचों के अंदर आपको जो है 6000 का डैमेज देना है, ठीक है। कैसे भी डैमेज हो आपको जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोगों को 6000 का डैमेज देना है, ठीक है। तो ये वाला मिशन आपका इजिली से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, अब हम लोग इस बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिशन की। तो नेक्स्ट मिशन में आपको बोला गया गाइस इन सीएस मोड किल 30 अपोनेंट्स विद एसएमजी। तो भाई यहाँ पर सीएस मोड खेलना है, यानी कि क्लेश स्क्वाड मोड खेलना है, एंड उसके अंदर गाइस आपको एसएमजी गन का यूज करना है, ठीक है। अब एसएमजी गन्स कौन सा होता है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फोटो में आप लोग देख सकते हो गाइस फ्री फायर के अंदर कौन कौन सी एसएमजी गन्स होती है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा MP40, एंड उसके बाद UMP, MP5, एंड जो है P90। तो ऐसा गन का आपको यूज करके 30 बंदों को मारना है, जो जो गाइस मैंने फोटो के अंदर दिखाया है एसएमजी गन्स का। तो इनका यूज करके आपको क्लेश स्क्वाड में 30 बंदों को मारना है, ठीक है। इन गन का यूज करके आप लोग जैसे 30 बंदों को मारोगे तो गाइस ये वाला मिशन आपका इजीली से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर नेक्स्ट मिशन है, नेक्स्ट मिशन के अंदर आपको बोला गया डील 8000 डैमेज टू प्लेयर इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पर भाई आप लोग सेम तरीका यूज करना है कि यहाँ पर आपको क्लासिक मोड खेलना है, यानी कि 50 बंदों वाला मैच खेलना है। आप लोग कालारी भी खेल सकते हो, बरमुडा रिमास्टर भी खेल सकते हो, बस इसके अंदर आपको रैंक वाला मैच नहीं खेलना, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको बोला गया कि भाई 8000 का डैमेज देना है बंदों को, ठीक है। उसके अंदर आप लोग कितना भी मैच खेल सकते हो, बस आपको कुल मिला के गाइस 8000 का डैमेज देना पड़ेगा। जैसे आप लोग 8000 का डैमेज दोगे तो ये वाला मिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट मिशन आप लोग देख सकते हो, इन क्लासिक मोड गेट इनटू द टॉप 10 विदाउट एनी किल्स, वो भी 3 टाइम्स। तो भाई इसके अंदर आपको क्या करना क्या नहीं करना वो गाइस बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको बोला गया भाई क्लासिक मैच खेलना, क्लासिक मोड मैच के अंदर आपको टॉप 10 के अंदर आना है। अब भाई टॉप 10 के अंदर कैसे आता है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई इधर आप लोग देख सकते हो लास्ट के जो टॉप 10 बंदे होते हैं ना गाइस, उनके अंदर आपको आना है, यानी कि जो लास्ट के 10 बंदे बचते हैं उनके अंदर आपको आना है 3 बार, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी मेरा जो 7 जो है लास्ट के 7 बंदे, तो गाइस मैं भी टॉप 10 के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। सेम तरीके से भाई आपको भी भाई टॉप 10 के अंदर आना है, लास्ट के जो 10 बंदे बचते हैं उसके अंदर आपको आना है 3 बार, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसा 3 बार कर लेते हो तो ये वाला मिशन आपका इजीली से कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट मिशन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट मिशन में आपको यहाँ पे बोला गया है टीम टास्क बोला गया। बहुत सारे बंदों को नहीं पता भाई टीम टास्क क्या होता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इन क्लासिक रैंक मोड इन्फ्लिक्ट 25000 डैमेज। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपको क्लासिक भी खेल सकते हो, रैंक वाला मैच भी खेल सकते हो। इसके अंदर भाई आप लोगों को जो स्क्वाड में लगाना है, टीम टास्क का मतलब होता है गाइस स्क्वाड में, तो आपको कितना भी मैच खेल सकते हो, बस आपको उसके अंदर डैमेज देना है, ठीक है। आप लोग एक मंथ लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसके अंदर आपको डैमेज पे डैमेज देना है 25000 का, ठीक है। अगर आपका जो स्क्वाड है वो भी गाइस बंदों को डैमेज देगा तो वो डैमेज भी आपको इसके अंदर काउंट मतलब हो जाएगा। बस आपको अपने बंदों को बोलना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किल वगैरह करे, ताकि गाइस आपका डैमेज इंक्रीज हो एंड 25000 तक आपका डैमेज चला जाए। तो गाइस जैसे आप लोग 25000 का डैमेज दोगे आपकी टीम देगी 25000 का डैमेज, मतलब आपको कुल मिला के आपकी और आपकी टीम को 25000 का डैमेज देना है, ठीक है। जैसे आप लोग ये वाला डैमेज दोगे तो ये वाला मिशन आपका इजीली से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन की बात करें तो नेक्स्ट मिशन आप लोग देख सकते हो इन क्लासिक मोड रिवाइव समवन 15 टाइम्स। तो इसके अंदर आपको बोला गया कि एक बंदे को आपको 15 बार रिवाइव कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसा लोकेशन देख लेना है। ऐसा लोकेशन देखने के बाद सिंपल सा आप लोग इसको जो है नॉक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाले बंदे को नॉक कर देता हूँ, एंड आप लोगों को क्या तरीका
यूज करना है, 15 बार आपको ये बंदे को रिवाइव देना है, ठीक है। यहाँ पर एक इसको रिवाइव दे देते हैं, फिर आपको चले जाना किसी अपने बंदे को लेके ऐसे लोकेशन पर जहाँ से आप लोग उसको नॉक डाउन कर सके इजिली। तो गाइस ऐसा आपको जो है यहाँ से जो है कूदाना, ठीक है, जंप कराना है, उसके बाद आपको इसको 15 बार रिवाइव देना है, ठीक है। सेम तरीका गाइस आप लोग ऐसा तरीका यूज करना है, बस आपको उसको नॉक कराना है, वापस से रिवाइव देना है, ठीक है। 15 बार आप लोगों को ऐसा कराना है, जैसे आप लोग 15 बार ऐसा कराओगे तो आप लोगों ये वाला मिशन जो इजिली से कम्प्लीट हो जाएगा। एंड हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट से लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में, तो गाइस प्लीज़ यार लाइक जरूर से कर लेना। सो गाइस इसके अलावा हम लोग इस बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट जो लास्ट मिशन है उसके बारे में, तो उसके अंदर क्या बोला गया तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि गाइस आप लोग इजिली इस वाले मिशन को कम्प्लीट कर सको। तो भाई यहाँ पर मिशन आप लोग देख सकते हो, इन क्लेश स्क्वाड मोड यूज स्नाइपर राइफल टू किल 10 एनिमीज। तो भाई यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको स्नाइपर का यूज करना है। भाई फ्री फायर के अंदर कौन कौन सा स्नाइपर होता है वो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस फ्री फायर के अंदर 3 स्नाइपर गन है, ठीक है। एक तो हो गया MA2B, दूसरा हो गया IWM एंड उसके बाद जो है तीसरा स्नाइपर है गाइस अपना जो Kar-98 है, ठीक है। इन तीनों का यूज करके आपको जो है CS मोड यानी क्लेश स्क्वाड मोड के अंदर आपको 10 बंदों को मारना है, ठीक है। जैसे आप लोग AWM एंड जो है MA2B वगैरह का यूज करोगे, स्नाइपर का यूज करोगे, 10 बंदों को मारोगे, तो भाई आप लोगों ये वाला मिशन इजीली से कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके अंदर आपको स्नाइपर का यूज करना है, AWM का यूज करना है, MA2B का यूज करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पर 10 बंदे जैसे मारोगे तो ये वाला मिशन आपका इजी से कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा गाइस जरूर से बता देना। एंड गाइस आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई फटाफट से लाइक कर देना, प्लस यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, गाइस मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस।